check Gujarati. Here some picture are given, so we have to make a story according to a picture given in this page number 10. तो यहाँ पे first picture में आपको वेंडर है, वो एक गांव से दूसरे गांव जहाँ रहा था, तो वो रास्ते में बहुत थक गया, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम करता हूँ. तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है, तो उसे पता नहीं होता है कि इस जंगल में बहुत सारे बंदर रहते हैं. तो वो सो जाता है, तो फिर वो बंदर हैं वो नीचे आकर वेंडर के बैग में से सारी टोपियां लेकर चले जाते हैं. तो वो सब वेंडर की टोपियां लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, बहुत शोर मचाने लगते हैं. तो उसी शोर शराबे में वेंडर है वो जग जाता है, तो वो ये सब देखकर शॉक हो जाता है. तो वेंडर ये सोचता है कि अब तो मुझे दूसरी जगह भी जाना है, तो मैं अपनी सारी टोपी इन बंदरों से कैसे वापस दूं. तो उसने बहुत ट्राई की पर बंदरों से वो हार गया. तो उसने एक आइडिया सोचा कि बंदर तो हमेशा इंसानों की नकल करते हैं, तो क्यों मैं अपनी टोपी गिरा दूं और बंदरों से अपनी जो टोपियां हैं वो वापिस ले लूं. तो वो वेंडर है वो भी ऐसे ही करता है कि अपने कैप नीचे गिरा देता है, तो सभी बंदर वो अपनी अपनी कैप गिरा देते हैं. ऐसे ही ये वेंडर है, वो बंदर जैसे ही सारी टोपियां हैं वो गिरा देते हैं, तो वेंडर उन सबको कलेक्ट करके वहां से निकल जाता है. मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए. नाउ बातचीत, चित्रों ने आधारे नीचेना जेवा प्रश्न पूछो, चित्रों नो झीणवट थी अवलोकन करवो पड़े तेवा प्रश्न पूछो. तो यहाँ पे आपको जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपके उसके आंसर देने हैं. कया चित्र में टोपियो नीचे पड़ेली छे, तो कौन से पिक्चर में है वो सारी टोपियां नीचे गिरी हुई है, तो पिक्चर नंबर 6 में. कया चित्र में वांद्राओ ये टोपियो पहरी छे, तो कौन से पिक्चर में जो बंदर है उन्होंने कैप पहन के रखी है, तो पिक्चर नंबर 4 में. कया चित्र में फेरियो सुतो छे, तो कौन से पिक्चर में वेंडर है वो सो रहा है, तो पिक्चर नंबर 3 में. 6 नंबर ना चित्र में तमने शू देखाय छे, तो ये 6 नंबर का पिक्चर है उसमें हम क्या देख सकते हैं, तो बंदर अपनी सारी जो टोपियां हैं वो नीचे गिरा देते हैं, तो वेंडर उनको कलेक्ट करके वहां से निकल जाता है. प्रथम चित्र में तमने शू जोवा मळे छे, तो ये फर्स्ट पिक्चर है तो उसमें हम क्या देख सकते हैं, तो एक वेंडर है वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, तो वो थक गया है, तो वो वहां देख रहा है कि मैं यहाँ कहाँ आराम कर सकता हूँ कि नहीं. नेक्स्ट इज सोदो, सरखा आकार फरते गोल कराओ, तो आपको यहाँ पे जिसके भी शेप सेम है वहां पे आपको सर्कल बनाना है. सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए हैं, तो आपको वो यहाँ से देखकर यहाँ पे जितने भी शेप्स दिए हैं टेबल में, तो आपको ये वाला शेप है तो उसको ढूंढकर उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है. ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के शेप दिए हैं, तो वो आपको इन सभी बॉक्स में से ढूंढकर उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल बनाना है. नेक्स्ट इज वंचाओ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड की और एनिमल्स की कैसी आवाज होती है, तो उसके बारे में दिया है. कागड़ो बोले का का, तो कौवे की आवाज कैसी होती है, तो का का. बैंबे बोले बकरी, तो घोट की आवाज कैसी होती है, तो बै बै. बांदरों बोले हुप हुप हुप, तो बंदर की आवाज कैसी होती है, हुप हुप. चीची बोले चकली, तो स्पैरो की आवाज कैसी होती है, तो ची ची. कबूतर बोले घू घू, तो पिजन की आवाज कैसी होती है, तो कू कू. कुहू कुहू बोले कोयल, तो कोयल होती है उसकी आवाज कैसी होती है, तो झोड़ो, तो यहाँ पे आपको एनिमल्स और बर्ड्स के नेम है और उनकी वॉइस कैसी होती है उसके साथ आपको मैच करना है. नेक्स्ट इज की, तो आपको ये पोएम है उसको आपको एक बार घर पे गानी है. भोपो अने टोपो, एक हतो भोपो, तेने पहरो टोपो, टोपो हतो ब्लू, तेमा हती जू, जू भरे चटको, लागे मोटो झटको, तोय राखे भोपो, काटे नहीं टोपो, टोपो साव गंदो, तेमा एक वंदो, वंदो फरे माथे, टोपा साथे साथे, वंदो भाड़े जू, बोले सू सू.
જૂને બીક લાગે આમ તેમ ભાગે, જો સંતાય છે વંદો ખીચાય છે, વંદો કાઢે ડોળા કરે ખોડમ ખોડા, હડિયા પટ્ટી મચી થાય ગલી પચી, ભોળો ખણવા બેઠો ટોપો પડ્યો હેઠો। ऑन पेज नंबर 12 यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया है, तो वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है।